जहां एक तरफ पुलिस बदमाशों का सीधा इनकाउंटर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बदमाशों के मन में थोड़ा भी खौफ पुलिस को लेकर नहीं है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको ऐसा ही दो वीडियो दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल बुलंद भारत की आवाज़। आपने हिंदी फिल्में बहुत सारी देखी होंगी, उसमें एक सीन आता है कि पुलिस नाकाबंदी पे खड़ी है और गुंडे कार लेके आते हैं और बैरिकेटिंग तोड़ के गुंडे भाग जाते हैं। पहला वीडियो ठीक वैसा ही है, पुलिस खड़ी है और गुंडे आते हैं नाकाबंदी पे और नाकाबंदी को तोड़ते हुए भाग जाते हैं। जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि रियल घटना है जो पुलिस पर सवालिया निशान उठाती है। वही दूसरी वीडियो में आप देख रहे हैं कि फिल्मी स्टाइल में पहुंचे लुटेरे ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखा है। लूट से ज्यादा चर्चा इनकी उस हरकत की हो रही है जो दुकान में आते ही उन्होंने किया है। आइए क्या है पूरा मामला आपको सीधे हम वीडियो में दिखाते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। दिन दहाड़े हुई इस लूट का सीसीटीवी में फुटेज कैद हो गया। लूट से ज्यादा चर्चा इनकी इस हरकत की हो रही है जो दुकान में आते ही इन्होंने किया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये आए तो थे लूट करने की नीयत से, लेकिन कोरोना काल में इन्होंने सारे प्रोटोकॉल का पालन किया। पहले हाथ सैनिटाइजर किया और फिर बंदूक निकालकर अपने अपने काम पर लग गए। चर्चा इसलिए भी है कि बेखौफ होकर निकले इन लुटेरों को भी कोरोना का खौफ है और ये उससे बचने के लिए पूरे नियम का पालन कर रहे हैं। तीनों लुटेरे मास्क लगाकर दाखिल हुए और तमंचे के दम पर लूटपाट कर दिन दहाड़े ये भाग गए। वारदात अलीगढ़ के सारसौन में सुंदर ज्वेलर्स पर हुई है। लगभग 40,000 रुपए की यहाँ पे दिन दहाड़े डकैती हुई है। उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े हुई इस लूट ने एक बार फिर यूपी पुलिस पर सवालिया निशाना लगा दिया। क्या बात।